राम रहीम बाबा के ड्राइवर ने खोले उनके सारे राज जानकर सन रह जाएंगे आप। बाबा राम रहीम जिनका नाम भले ही आज सभी के जुबान पर हो, लेकिन आज से 25 साल पहले भी इनके समर्थकों के बीच इनका नाम गूंज रहा था। साधारण से परिवार में जन्मा एक बच्चा इतने बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। का प्रमुख बन गया। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गुरुसर मोदिया में जाट सिख परिवार में राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1967 को हुआ था। 7 साल की उम्र में डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह जी ने गुरमीत सिंह को एक नया नाम दिया और आशीर्वाद देकर अपनी शरण में रख लिया। लेकिन इन सब के बावजूद आज जो पुलिस और कोर्ट ने खुलासा किया है, क्या वो कुछ नया है? और अगर नया है तो आज तक पुलिस कहाँ थी? जी हाँ, हम जिस खुलासे की बात कर रहे हैं, राम रहीम के बारे में पुलिस और कोर्ट ये बातें कह रही हैं और गुनाहगार भी मान रही हैं इन्हीं बिनाहों पर। आज से करीब 10 साल पहले इंडिया टीवी ने ये खुलासा कर दिया था। मीडिया में सबसे पहले इंडिया टीवी ने ही बताया था कि राम रहीम बाबा नहीं एक शैतान है। 2007 में इंडिया टीवी के जाने माने एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने सरकार और सिस्टम को आगाह किया था कि भक्तों के लिए राम रहीम देवता नहीं बल्कि एक दानव है। लेकिन इस खुलासे के 10 साल होने को हैं। काश 10 साल पहले सरकार जाग गई होती तो आज इतने दिनों तक राम रहीम चैन से नहीं रह पाता। अगर सरकार जाग गई होती तो आज न जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। इसका खुलासा कैसे हुआ था, आइए बताते हैं। राम रहीम के सबसे बड़े राजदार उसके पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने सबसे पहले इंडिया टीवी पर गवाही दी थी, लेकिन इस दौरान उसे राम रहीम ने मारने की भी धमकी दे दी थी। फिर भी उसने हिम्मत करके इंडिया टीवी के कैमरे के सामने सारी सच्चाई बता दी। उसने डेरे के अंदर बाबा के हर एक गुनाहों की पोल खोल दी थी। उसने बताया था कि राम रहीम के डेरे में महिलाओं से बलात्कार होता है। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया था कि बड़े बड़े नेताओं का राम रहीम मेजबान बनता है, वहाँ सिर्फ अयाशियाँ होती है, ये बाबा के रूप में होंगी है। ड्राइवर खट्टा सिंह ने बताया कि मुझे 5-6 साल से मालूम था, लेकिन मैं यकीन नहीं करता था कि ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये सोचता था कि इतनी श्रद्धा, इतने लोग हैं, ये तो हो नहीं सकता। पर 3-4 साल से मुझे ये मालूम होने लगा कि ये मैं जो सुन रहा था बिल्कुल उसकी सच्चाई सामने आ रही है। उसने ये भी कहा था कि कांग्रेस के नेता वो वहाँ आते थे, हमारे ऊपर केंद्र सरकार का पूरा हाथ है।